इंट्रोडक्शन एक हमने दिया है लास्ट वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का, कि क्या पूरा रिटायरमेंट में हमें पढ़ना है। उसी में से जो फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है विच इज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो पूरा हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उसी के बाद हम यहाँ तीन जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं इन तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यूज एंड नीड फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अराइजेस। जब पार्टनर रिटायर होता है पार्टनरशिप फर्म से तो क्या होगा, एक पार्टनर चला गया तो जो बचे हुए पार्टनर है वो अगर बिजनेस अपना आगे कंटिन्यू करते हैं तो उनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। एक नोट याद रखिएगा इसमें, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, ओल्ड रेशियो इज एज्यूम टू बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो ओल्ड रेशियो रहा होगा वही मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दो तीन पार्टनर है 3:2:1 में, एक पार्टनर रिटायर हो जाता है ये वाला लास्ट वाला, और यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बता रहे कि आगे वो क्या रेशियो रखेंगे, तो हम क्या मानेंगे, 3:2 मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो ये एजम्पशन हमें लेकर चलना है वाइल कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ कमिंग टुवर्ड्स गेनिंग रेशियो, चलिए गेनिंग रेशियो भी देख लेते हैं क्या है। अच्छा देखिए कॉन्सेप्ट समझाते हैं पहले क्या है। जब ये दो पार्टनर तीन पार्टनर में एक पार्टनर चला गया, जब ये वाला चला गया तो इसका जो शेयर है वो किसके पास चला जाएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है, तो उनको गेन हुआ ना, उनको मिलेगा ना। जो पार्टनर जा रहा है वो अपना शेयर का हिस्सा किसको देके जाएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है, तो उनको गेन होगा ना। एडमिशन के केस में आ रहा है तो वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो इसी तरह गेनिंग रेशियो यहां पर डील किया जाता है। तो देखिए गेनिंग रेशियो क्या है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन बाय रिमेनिंग पार्टनर। जब रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो उसका जो शेयर है कौन ले लेते हैं, रिमेनिंग पार्टनर। द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर टेक्स द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज गेनिंग रेशियो। जिस रेशियो में वो लोग लेते हैं उसका रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, जिस रेशियो में वो लेंगे उनका शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे, उसी रेशियो को गेनिंग रेशियो कहते हैं। जैसे यहां पर वन जो इसका शेयर था वो इन दोनों ने लिया, किस रेशियो में लिया, 3:2 ही मानेंगे इस केस में क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दिया, तो इस 3:2 को हम क्या कहेंगे, गेनिंग रेशियो। अगर फॉर्मूला से देख लिया जाए तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज योर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया, एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:5:3:2, बी रिटायर हो रहा है और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। एक नोट अभी हमने आपको बोला था याद रखिएगा, सपोज कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है और ये नहीं बताते क्वेश्चन में कि न्यू रेशियो क्या होगा, तो हमारा ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाएगा जो रिमेनिंग पार्टनर्स का होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए वही चीज हो रही है, तीन पार्टनर है एबीसी 5:3:2 में, बी रिटायर हो रहा है और आगे कोई कंडीशन नहीं दी है, तो जो ओल्ड रेशियो होगा ए और सी का वही हमारा न्यू रेशियो बन जाएगा। तो ओल्ड रेशियो ए और सी का क्या है, 5:2, सो न्यू रेशियो इज 5:2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये। सेकंड क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:5, 1:3 एंड 7:15। जेड रिटायर हो रहा है और उसका शेयर जो है एक्स वाई ले रहे हैं 3:2 रेशियो में ले रहे हैं, इज टेकन अप बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:2, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले तो हमको पता है कि रेशियो देखिए बराबर नहीं दिख रहा है, तो इसका बेस को सेम करते हैं, बेस को 15 बनाना होगा क्योंकि देखिए इसका हाईएस्ट 15 है। एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट सिंपल वे में कर लेते हैं, 1:5 है, नीचे 15 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इंटू 3, तो इसका न्यू रेशियो आ जाएगा 3/15। ये न्यू रेशियो नहीं, ये रेशियो ही है ओल्ड रेशियो, इसका 1/3 है, इसको 15 बनाने के लिए 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन करना होगा, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 5/15 एंड इसका ऑलरेडी 15 है तो 7/15। तो रेशियो कितना हो गया हमारा, 3:5:7, 3:5:7। इस कैलकुलेशन के बाद हमें पता चल गया इस रेशियो का जो फाइनल रेशियो है वो 3:5:7 है, तो इसको अब हम हटा दें, क्या लिख दें, 3:5:7, मतलब ये जो रेशियो है ये है हमारा 3:5:7। तो ये रेशियो है हमारा जो ओल्ड रेशियो है। अब क्वेश्चन में बोला है कि Z रिटायर हो रहा है और उसका शेयर जो है X और Y ले रहे हैं किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में। तो चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा ये। तो X पहले Z का शेयर जो Y ले रहा है, Z का जो शेयर है वो Y कितना ले रहा है, 3/5 के रेशियो में, तो Z का शेयर कितना है, 7/15,
7 by 15 का वो कितना ले ले रहा है x 3 upon 5 तो into 3 by 5 21 upon 75 ये किसको मिलेगा ये x को मिलेगा इसी तरह y को कितना मिलेगा z का शेयर y को सॉरी यहां y लिख दिया हमने x है ये y को कितना मिलेगा तो 7 by 15 का कितना रेशियो 3:2 बोला है तो 2 इसका है 2 by 5 14 upon 75 ये किसको मिलेगा y को मिलेगा तो पुराने शेयर में ये दोनों के शेयर में ऐड कर दे न्यू रेशियो बन जाएगा तो चलिए ऐड कर लेते हैं न्यू रेशियो निकाल लेते हैं अब हम लोग न्यू रेशियो कैसे निकलेगा ओल्ड रेशियो जो है x का क्या है 3 upon 15 एंड y का है 5 upon 15 उसमें x वाले में ये वाला पार्ट ऐड कर दीजिए x को y वाले में ये वाला पार्ट y के में ऐड कर दीजिए न्यू रेशियो बन जाएगा तो चलिए निकालते हैं पहले x का निकाल लेते हैं x का रेशियो है 3 upon 15 और उसको और कितना मिल रहा है z के जाने के बाद 21 upon 75 तो वो ऐड हो जाएगा 21 by 75 इसी तरह y का देख लेते हैं y को 5 by 15 इसका ओल्ड था इसमें और कितना मिल रहा है 14 by 75 14 upon 75 तो जो बचेगा वो इसका न्यू रेशियो हो जाएगा तो LCM हमारा 75 आएगा 5 3 जा 15 प्लस 21 तो इसका न्यू रेशियो हो गया 36 by 75 इसी तरह इसका निकाल लेते हैं इसका LCM 75 25 हो जाएगा डिवाइड फिर मल्टीप्लाई इस डिवाइड करवाते हैं 75 को 15 से फिर जो आता है जैसे 5 आएगा 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 इसमें 1 हो जाएगा 1 इंटू 14 40 इसमें आ जाएगा 39 अपॉन 75 तो हमें रेशियो मिल गया 36:39 तो ये और कट जाएगा सिंप्लीफाई हो जाएगा 39 चेक करना है सही है कि नहीं तो दोनों का टोटल 75 आना चाहिए तो हाँ दिख रहा है 60:75 सही है तो इसको काट देते हैं 3:1 3:2 3:6 3:1 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9 3:2 3:9
इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम यूज करके दिखा दे रहे हैं। गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो इज 12/25x का 12/25, इसमें लेस कितना कर दे हम, ओल्ड रेशियो विच इज 3/15। इसी तरह वाई का न्यू रेशियो है 13/25 और इसमें क्या लेस कर दें, ओल्ड विच इज 5/15, हमारा 3:2 आ जाएगा। देखते हैं कैसे, इसका हो जाएगा 75 एलसीएम, 3 × 36 माइनस 15 21/75, तो इसका गेनिंग रेशियो है 21/75। और इसी तरह इसका भी देख लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 75, तो 25 थ्री जा होता है तो 3 × 3 = 9 3 = 39 माइनस 5 = 25, देख लेते हैं कितना आता है, 5 6 7 8 9 14, तो हमारा आ जाएगा 14/75। तो रेशियो क्या मिला, 21:14, तो ये किससे जाएगा, 7 से कट हो जाएगा, 7 3 = 21 7 2 = 14, तो देखिए गेनिंग रेशियो आ गया 3:2। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1:3, जेड रिटायर हो रहा है एंड सरेंडर्स 4/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ वाई, कैलकुलेट न्यू रेशियो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तीन पार्टनर है 4:1:3 में, जेड रिटायर हो रहा है और अपने शेयर का 4/9 किसको दे रहा है, एक्स को दे रहा है, और जो रिमेनिंग बचेगा 4/9 के बाद वो वाई को मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि एक्स को कितना दे रहा है जेड अपने में से और वाई को कितना दे रहा है, तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो देखते हैं एक्स जेड ने एक्स को कितना दिया वो हम पहले निकालेंगे। तो कितना दिया, 4/9 दिया है, उसका शेयर का 4/9, तो जेड का शेयर कितना है 3/8, अपने शेयर का कितना दे रहा है 4/9 दे रहा है एक्स को, उसको देख लेते कितना दे रहा है, फिर 12/72, तो ये किसको मिल गया, एक्स को मिल गया। इसी तरह वाई को कितना दे रहा है वो भी देख लेते हैं, जेड ने वाई को कितना दिया, तो इसके बाद जो बचेगा उसने उसको उतना दिया, तो कितना बचेगा,
तो Z का कितना था 3:8, इसमें से उसने X को कितना दिया 12:72, तो माइनस कर देते हैं 12:72 जो बचेगा माइनस करने के बाद वो किसका हो जाएगा Y का, कर लेते हैं 72 इज एलसीएम 8 9 9 3 27 माइनस 12 15:72 मैं यहां 79 लिख दिया गलती से 72 तो हमें पता चल गया y को कितना मिल रहा है और x को कितना मिल रहा है। अब दोनों मिल गया, दोनों को ऐड कर दीजिए दोनों के x और y के ओल्ड रेशियो में, हमें न्यू रेशियो मिल जाए। न्यू रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो ओल्ड रेशियो है x और y का उसमें जो नया मिल रहा है z से उन दोनों को ऐड करा दे। तो देखिए ओल्ड रेशियो x का 4:8 y का 1:8, उसमें मैंने 12:72 और 15:72 ऐड कर दिया, 12:72 और 15:72 ऐड कर दिया, एलसीएम 72 आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं 8 9 4 36 प्लस 12 तो 48:72 ये रेशियो है हमारा न्यू x का। इसी तरह y का कर लेते हैं, y का एलसीएम है 9 72 9 तो 9 प्लस 15 वो आ जाएगा हमारा 72 24। तो हमें रेशियो मिल गया 48:24 विच इज 24 से कट जाएगा 24 2 24। तो ये तो था हमारा न्यू रेशियो। अब नेक्स्ट वीडियो से हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट करेंगे।